Good morning, students. Welcome to your English class. Today we are going to start our chapter 2, Children at Work. Before you read, there are many reasons why children have to work. Some help their family make a livelihood. Others who run away from unhappy homes need to support themselves. Children who had to work can't go to school and play like other children to their age. सो कई बच्चे होते हैं वो बचपन में ही काम करना शुरू कर देते हैं. इसके काफ़ी रीज़न होते हैं. कुछ होते हैं जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, कुछ होते हैं जो फैमिली से परेशान होके अपने आप को मतलब खुश करने के लिए, अपने आप का ध्यान रखने के लिए ही वर्क कर लेते हैं. और जो ऐसे बच्चे होते हैं जो कम एज में ही काम करने लग जाते हैं, वो कभी स्कूल नहीं जा पाते हैं और उन बाकी बच्चों की तरह खेल कूद नहीं पाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Velu, an 11-year-old boy, runs away from home. He wanders around for hours before getting on a train to Chennai without a ticket. Tired and hungry, he does not know where to go when a stranger at the station shouts a word of welcome. तो वेलू एक 11 साल का लड़का है जो अपने घर से भाग जाता है. वो रेलवे स्टेशन पे घूम मतलब वो काफ़ी जगह पे घूमता रहता है और चेन्नई के लिए जो ट्रेन जा रही होती है उसमें चढ़ जाता है और बिना टिकट के. काफ़ी थक जाने के बाद और भूख लगने के बाद उसे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं. तभी उसे एक स्ट्रेंजर के एक अनजान आदमी की आवाज़ सुनाई देती है. सो अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे. When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off. जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस, कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में है, वो जब चेन्नई सेंट्रल पे पहुंची, चेन्नई स्टेशन पे पहुंची, तो वेलु को थोड़ा टाइम लगा गेट ऑफ होने में, मतलब उसमें से निकलने में. When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly, as if he was स्टिल ऑन मूविंग ट्रेन. जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पे उतरा तो उसके पैर अभी भी कांप रहे थे, जैसे कि वो अभी भी ट्रैवल कर रहा हो. ओए आउट ऑफ द वे, ए पोर्टर वेंट बाय विद अ लोडेड ट्रॉली. वेलू जंप्ड असाइड. तो जो एक ये कूली था वो वहाँ से निकला, उसके हाथ में ट्रॉली थी काफ़ी ज़्यादा, और उसने जोर के चलाया, ओए आउट ऑफ द वे, ओए रास्ते से हट जाओ, और वेलू फटाफट उसके रास्ते से हट गया. ही सैट ऑन अ बेंच ऑफ प्लेटफॉर्म पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन. इन ऑल हिज 11 ईयर ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल एक्सेप्ट वंस अ ईयर एट द फेयर इन द विलेज. सो वो एक बेंच पे बैठ गया प्लेटफॉर्म के, और उसने अपना जो सामान है वो साइड में रख दिया. अपने 11 साल में उसने कभी भी इतनी भीड़ नहीं देखी थी. उसने भीड़ कहाँ देखी थी, जब भी साल में उनके गांव में एक मेला लगता था तब. पीपल वॉक्ड बाय बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेस. अ वॉइस अनाउंस समथिंग ऑन लाउड स्पीकर. नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन देयर लगेज लुकिंग एट द टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ. द नॉइस वॉज टेरिबल. सो जो लोग हैं यहाँ वहाँ जा रहे थे, एक दूसरे से टकरा रहे थे, और ज़ोर ज़ोर की लाउड स्पीकर पे आवाज़ आ रही थी. मतलब जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे लाउड स्पीकर लगा होता है और उसमें बार बार अनाउंसमेंट हो रही होती है कि कौन सी ट्रेन आ रही है, कौन सी ट्रेन जा रही है, कौन सी ट्रेन लेट है, तो ये सब अनाउंसमेंट हो रही थी. कुछ लोग अपने सामान के ऊपर ही बैठे हुए थे उसके पास में, किसके पास में, वेलू के पास में, और वो टीवी देख रहे थे जो रूफ है, जो छत है उस पर लटका हुआ था. जो शोर था वो काफ़ी टेरिबल था, मतलब शोर काफ़ी ज़्यादा बुरा था. वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड. ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days अगो. फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग बट सम पीनट्स एंड पीस ऑफ जैगरी. इन हिज बंडल ही कैरीड अ शर्ट, अ टॉवल एंड अ कॉम. तो जो वेलू है वो अपना सर झुका के घुटने के ऊपर बैठ गया, और वो काफ़ी परेशान महसूस कर रहा था और काफ़ी थका हुआ भी.
2 दिन पहले वो अपने गांव से भाग चुका था और 2 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था, बस कुछ पीनट्स मतलब जो मूंगफली है वो खाई थी और कुछ जैगरी, जैगरी क्या होता है, गुड़, जो गुड़ होता है मीठा सा उसे कहते हैं, उसने थोड़ी सी जैगरी खाई थी और थोड़ा सा गुड़ ही खाया था। और उसके जो बंडल था, जो उसका सामान था, उसके अंदर क्या थी, एक शर्ट था, एक टॉवल था और एक कंघी थी। ही हैड वॉक फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ कनूर एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन ऑफ चेन्नई। तो वो पूरा दिन चलता रहा कन्नूर जगह पे, कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में, और फिर उसने चेन्नई के लिए ट्रेन पकड़ ली। वेलू हैड नो मनी फॉर टिकट, बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिडन कम टू द रिजर्व कंपार्टमेंट। वेलू के पास पैसे नहीं थे टिकट लेने के लिए, पर अनरिजर्व कंपार्टमेंट में कलेक्टर चेक करने भी नहीं आया। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर। अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड एंड शाउटेड ऑल नाइट। वो रात भर सोने की कोशिश करता रहा फ्लोर पे, ट्रेन का जो फ्लोर है गेट के पास, वहाँ पे सोने की कोशिश करता रहा, पर कुछ लोगों का ग्रुप था पास ही में, वो कार्ड्स खेल रहा था रात, कार्ड्स खेल रहे थे रात को और शोर मचा रहे थे, तो सोना काफ़ी मुश्किल था। आई वट न्यू टू टाउन, कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस। तभी एक रफ सी भारी सी आवाज़ आई कि आई तुम यहाँ नए हो, मतलब टाउन में नए हो। वेलो ओपन हिज आई, देयर वॉज अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नोबडी वॉज लुकिंग एट हिम। वेलो ने अपनी आँखें खोली और उसने आसपास देखा तो काफ़ी सारे लोग खड़े थे पर कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। हियर आई, उसने कहा यहाँ देखो। ही टर्न अराउंड बिहाइंड हिम, ए गर्ल अराउंड हिज ओन एज वियरिंग अ लॉन्ग बनियान हैड दैट कम डाउन टू हर नीज। हर हेयर वॉज स्टिफ एंड ब्राउनिश एंड शी हैड अ ह्यूज सैक ऑन हर शो ऑन वन शोल्डर। तो उसने पलट के देखा तो वहाँ एक लड़की खड़ी थी जो वेलू की एज की थी, मतलब लगभग 11 साल की ही थी। उसने एक बनियान पहन रखी थी जो उसके नीज, उसके घुटने तक आ रही थी, तो मतलब काफ़ी बड़ी बनियान थी। उसके बाल स्टिफ थे, मतलब काफ़ी हार्ड थे, रफ थे और ब्राउन कलर के थे, और उसके कंधे पे एक बहुत बड़ा झोला था, मतलब बैग था। यू कैन सी इन दिस पिक्चर शी हैड अ बिग सैक ऑन हर शोल्डर। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक अप फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग दैम इन टू हर सैक। तो वो जो प्लास्टिक के कप्स थे जो प्लेटफॉर्म पर पड़े थे, वो उन्हें उठा रही थी और अपने सैक में भर रही थी। वाई इज शी कॉलिंग मी दो थॉट वेलो, एंड वाई इज़ द गर्ल वेयरिंग बनियान। उसने वेलो ने सोचा ये मुझे बुला क्यों रही है और ये लड़की बनियान पहन के क्यों घूम रही है। नोट नीड टू से स्टूपिडली व्हाट्स योर नेम। तो उस लड़की ने कहा ऐसे बेवकूफ़ों की तरह घूमने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा नाम क्या है। वेलू मटर्ड वेलू लुकिंग अवे। वेलू यहाँ वहाँ देख के वो धीरे से बोला वेलू। सो मिस्टर वेलू सैड अ गर्ल लुकिंग एट द हिज बंडल, रन अवे फ्रॉम होम। तो लड़की ने उसका बंडल देख के कहा तो मिस्टर वेलू क्या तुम घर से भागे हुए हो। वेलू डिडंट आंसर, ही डिडंट वॉन्ट टू टेल सम स्ट्रेंजर गर्ल वट ही हैड डन। तो वेलू ने आंसर नहीं दिया और वो नहीं चाहता था कि किसी अनजान लड़की को कोई जवाब दे। ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुडंट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम वन मोर डे। हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी वेलू एंड हिज सिस्टर अर्न्ड एंड स्पेंट इट ऑन ड्रिंक। तो वेलू है वो परेशान हो गया था अपने फादर से, और जो ने जो उसे रोज़ पीटते रहते थे, जो उसके फादर थे वो काफ़ी बुरे थे, और वो वेलू और उसकी सिस्टर जो भी पैसे कमाते थे उसे छीन लेते थे और ड्रिंक करते थे, ड्रिंक करना मतलब शराब पीते थे। डोंट थिंक आई डोंट नो, दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, सो वट आर यू गोइंग टू डू हियर, बिकम रिच। तो कहती है कि तुम ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, यहाँ पे तुम्हारे जैसे काफ़ी सारे बच्चे हैं, और तुम यहाँ क्या करने वाले हो, अमीर बनने वाले हो, मतलब पैसे कमाने वाले हो। शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली। वो आके उसके साथ बैठ गई और वेलू थोड़ा उससे दूर शिफ्ट हो गया।
He felt hunger pinching him and pressed his stomach with a grimace. Hungry, तो जो वेलू है वो अपने पेट को जोर से दबाने लगा क्योंकि उसे भूख लगी थी, और विद अ ग्रिमेंस मतलब काफ़ी परेशान था, ऐसे एक्सप्रेशन देने लग गया जैसे कि काफ़ी दुखी होते हैं ना कि बहुत भूख लग रही है। तो जो लड़की है उसने पूछा, हंग्री, क्या तुम्हें भूख लगी है? यू वॉन्ट गेट फूड बाई सिटिंग हियर ग्लमी मेकिंग फेसेस, आई कैन फाइंड सम इफ यू वॉन्ट। तो लड़की ने कहा कि तुम्हें ऐसे ही ऐसे ग्लमी मतलब ऐसे सैड लुक बना के बैठे रहने से तुम्हें फूड नहीं मिल जाएगा, मैं तुम्हारे लिए ला सकती हूँ अगर तुम्हें चाहिए तो। शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, उसने अपना सैक उठाया और दूर चली गई। वेलू स्टेड ऑन द बेंच, व्हाट शुड ही डू, वेलू अपनी बेंच पे ही बैठा रहा और सोचने लगा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या उसे उस लड़की को फॉलो करना चाहिए? वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, वो उसे कहाँ ले जाने वाली थी? शी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड, सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, वो भीड़ में गायब होने ही वाली थी तो वेलू को जल्दी डिसाइड करना था कि उसे क्या करना है, वहीं बैठे रहना है या उस लड़की के पीछे जाना है। ऑल राइट ही डिसाइडेड, एनी वे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, उसने कहा कोई बात नहीं मैं डिसाइड कर चुका हूँ और वैसे भी मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। ही जंप्ड अप एंड रैन आफ्टर हर, शी वॉजंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, वो जल्दी से उठा और उसके पीछे भागा, उस लड़की के पीछे भागा। और वो लड़की है वो आराम से अपने रास्ते जा रही थी, उसने पलट के भी नहीं देखा कि वेलू कहाँ पे है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस मच ऑफ चैप्टर, वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।